Please subscribe my channel Kitchen with Faria Baloch and press the bell icon button to get notified. किचन विद फरिया बलोच के साथ मैं हूँ यूट्यूब पर फरिया बलोच। अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे स्वीट व्यूवर्स जो कि किचन विद फरिया बलोच के नाम से, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। आज मैं गई थी सुपरमार्केट, तो आज मुझे दिखे बड़े फ्रेश फ्रेश से जो है बीटरूट्स, चुकंदर। तो मेरा आज दिल चाहा क्यों ना गोश्त के साथ मिला के चुकंदर गोश्त बनाया जाए आप लोगों के लिए, जो कि बहुत हेल्दी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ किचन में चलते हैं और चुकंदर गोश्त बनाते हैं। चुकंदर गोश्त के इन्ग्रीडियंट्स की तरफ आए, यहाँ मैंने देखे चुकंदर लिए हुए जो कि मेरे पास एक पाव है, ठीक है। और यहाँ मैंने थोड़ी सी गाजरें भी ली हैं, क्यूब्स में काट लिया है हमने इन्हें थोड़ा बारीक ताकि ये जल्दी से गल जाए, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास गोश्त मौजूद है जो कि मैंने बकरे का लिया हुआ है। आप बीफ में चिकन में भी बना सकते हैं इसको, चिकन में भी मजे का बनता है, मगर गोश्त की बात और है। मटन लिया हुआ है जो इसको मैंने बॉईल कर लिया था पहले ताकि जल्दी जल्दी से आपके सामने रेडी हो जाए। यखनी इसकी यहाँ रखी है इसके साथ। यहाँ पर बकिया इन्ग्रीडियंट्स, टमाटर काटे में मैंने चार बड़े, यहाँ पर जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, यहाँ पर जाएगा हल्दी पाउडर, ये हम आपको डालते वक्त बता देंगे कि हम कितना डाल रहे हैं। सॉल्ट जाएगा, यहाँ पर जाएगा जीरा पाउडर, कसूरी मेथी जा रही है, लहसुन जा रहा है यहाँ पर, प्याज जाएगी और थोड़ा सा अदरक जाएगा जूलियन कट। चलते हैं किचन की तरफ और तैयारी शुरू करते हैं। सॉस पैन में हमने तेल डाल लिया है एक कप के जितना। यहाँ पर हम अपनी प्याज को पहले क्या करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज गोल्डन हो गई है, अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा टीस्पून के करीब सफेद जीरा, ठीक है। और अब डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट डेढ़ टेबल स्पून, ये देखें, ठीक है। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे दो से तीन सेकेंड। दो से तीन बाद हमने इसमें टमाटर भी डाल दिया। मैंने डाला एक टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, एक टीस्पून ही हल्दी डाल रही है, नमक मेरा शज़्बे जायका होता है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, टमाटरों को थोड़ा सा हम अपना जो है भून के सॉफ्ट कर लेंगे। अब टमाटर सॉफ्ट हो गए, अब हम अपने चुकंदर और गाजरें जो हमने इसमें ली है ऐड कर देंगे। एक बड़ी गाजर है और एक पाव चुकंदर है, ठीक है। और अब इसके साथ हम इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट भूनेंगे। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए, देखिए इनकी अच्छे से भुनाई हो गई है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो मेरे पास यहाँ यखनी का पानी है मैं ये सारा इसमें डाल दूंगी। और इसके साथ सिर्फ अभी इसको इसलिए गला रहे हैं कि यहाँ देखें मैंने गोश्त की अपनी जो है अलग कर ली है, गोश्त की बोटियाँ वगैरह सब जो मैंने यखनी में से निकाल ली है, मैंने यहाँ जो गोश्त बॉईल किया हुआ था। अब हम इस यखनी के पानी में इनको गला लेंगे क्योंकि गोश्त हमारा ऑलरेडी कुक है, ठीक है। उसको हम एंड में डालेंगे। अब इन्हें डाल के हम तकरीबन 20 मिनट कुक करते हैं ताकि अच्छे से टेंडर हो जाए। तकरीबन देखें 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे जो गाजर और जो है चुकंदर अच्छे से गल चुके हैं, ठीक है। ये देखें, पहले तो हम करते हैं इसमें नमक ऐड, गोश्त में हमने नमक ऐड किया हुआ था, अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून के करीब नमक, ठीक है। नमक और मेरा छज्बे जायका होता है, जैसा आपको पसंद हो। इसको पहले से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम आपको दिखा देते हैं कि ये माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे देखें आराम से टूट गया। एक और दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर स्पून से गरम बहुत है, नहीं तो हम हाथ से करते, यहाँ पे आराम से टूट गए। तो हमारे टेंडर हो गए और अभी ये तकरीबन 10 मिनट और पकेंगे क्योंकि हम साथ गोश्त डालेंगे। ये देखें यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें चार, ठीक है, छोटी वाली मोटी वाली आपकी मर्जी है। और अब ये गोश्त जो बॉईल हुआ हुआ था सारा इसमें ऐड कर देंगे। शोरबा रखेंगे हम इसमें, लेकिन इतना नहीं रखेंगे, ग्रेवी होगी हल्की होगी। और अब क्या करेंगे, इस गोश्त के साथ हम तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट और बनाएंगे और एंड में हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे पिसा हुआ, ठीक है, 1/2 टीस्पून के करीब। और हमारा इस तरीके से चुकंदर गोश्त रेडी हो जाएगा और आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। देखें अब हम इसमें डाल रहे हैं अपना 1/2 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला, और मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी इस वक्त अदरक और बाकी थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रखते हैं। और बस अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, हमारा मज़े का चुकंदर गोश्त यहाँ पर रेडी हो चुका है। यम्मी सा हमारा यहाँ पर चुकंदर गोश्त रेडी हो चुका है, जो कि सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत जल्दी से बन जाता है। अगर आपके पास गोश्त बॉईल है तो बहुत आसानी से बन सकता है, लेकिन आप नॉर्मल गोश्त भून भान के
और इसके साथ आराम से चुकंदर डाल के इस तरीके से बड़े मजे की डिश पतली पतली चपातियों के साथ बनाकर खाएं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को जो कि किचन विद फरिया बलोच के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस कमेंट्स लाइक शेयर कीजिए। एक नई रेसिपी के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।